मॉर्निंग, मैं अपिशता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड, जिसमें आज हम देखेंगे पार्ट 3। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने बुक में देखा होगा कि साउंड के वेव को इस तरीके से ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसको मैं आपको ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू ये चीज एकदम आपको क्लियर कर दूंगी कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बना होता है और इसमें हर पॉइंट का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं इसको यहाँ से। अब ये मैं आपको क्या बता रही हूँ कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट कोई झूला है, ठीक है, और ये यहाँ पर बंधा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि रुका हुआ है। रेस्ट यानी कि ये अपने ओरिजिन कंडीशन में है, ठीक है, या अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये रुका हुआ है, ओके। अब इधर से आकर के अगर इस झूले को क्या कर दिया जाए, थोड़ी सी एनर्जी अगर दे दिया जाए, ठीक है, जैसे ही उस झूले को एनर्जी मिलती है वो झूला क्या करता है, वो इस तरीके से, ठीक है, ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है, है ना। तो इस तरीके से उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मूवमेंट कैसे करेगा, अगर इसको हमने इधर से एनर्जी दे दी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन से इसको हमने एनर्जी दे दी, तो ये इसका वर्क पोजीशन जो था वो इसका क्या था, मीन पोजीशन, ठीक है, या इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये इसका ओरिजिन स्टेट है, ठीक है ना, ओरिजिन पोजीशन है। तो अपने मीन पोजीशन पर ये था, जब इसको एनर्जी मिली तो ये ऑब्जेक्ट इधर गया बच्चों, ये वर्क पॉइंट से किस पर आया, टू पर आया, ठीक है, टू पॉइंट से ये किस पर आएगा, वापस ये अपने इस पोजीशन से होते हुए, थ्री पोजीशन से होते हुए कहां जाएगा, फोर पर आएगा। और फोर से जब ये वापस फाइव पोजीशन पर आता है तो हम कहते हैं कि इसका वन ऑसिलेशन, यानी कि एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो गया। तो वन ऑसिलेशन के लिए फाइव पॉइंट टोटल बनते हैं, पहले अपना वो मीन पोजीशन उसका था, यहां से कहां गया ये, वन से टू पर, टू से थ्री पर आएगा, और थ्री से होकर के फोर पर जाएगा, और वापस जब अपने फाइव पोजीशन पर आएगा तो इसको हम कहेंगे कि इसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है। क्लियर बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई, यानी कि इसका वन ऑसिलेशन यहाँ पर क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं आपको दूसरे डायग्राम से समझाऊं तो ये देखिए, जब मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर क्या है, एयर के पार्टिकल्स मौजूद है, ओके, इनको भी क्या मिली, एनर्जी मिली। एयर के पार्टिकल्स स्टेबल अपने ओरिजिनल कंडीशन में है ना, अपना ओरिजिन है इनका ओरिजिनल कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये रहते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, ठीक है, और हल्का इसमें मूवमेंट होता रहता, चलते रहते हैं, कोई हमको फील नहीं होता है कि हवा है, ठीक है ना, जब तक इनको एनर्जी न दी जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड से इनको क्या मिला है, एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने की वजह से ये अपने ये क्या करेंगे, इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके के जो प्रोसेस आपने यहाँ देखा वही सेम चीज इनके साथ भी होगा, ये जो पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स है, तो जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ये क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा, और फिर मेन पोजीशन से होते हुए मेन पोजीशन इसका ये है, इससे और पीछे चला जाएगा ये, ठीक है। तो आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ये इस तरीके से इसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये आगे जाता है अपने मेन पोजीशन से, जब ये आगे जाता है तो आगे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है, जो पार्टिकल्स है उससे ये टकराएगा और उसको भी ये एनर्जी दे देगा, फिर वो पार्टिकल्स भी वो क्या करेगा, वो भी उसमें भी ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो ऐसे जब आगे की तरफ जाएगा तो वो भी क्या करेगा, पीछे आगे वो भी टक्कर मारेगा और उसके अगला पार्टिकल्स जो है वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से मेरे यहां से साउंड होते हुए वाइब्रेट करते करते, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, कोलिजन होता जाएगा और साउंड आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स में मूवमेंट कैसे हुआ, देखिए ये पार्टिकल्स है, अगर इसको एनर्जी आप मिली, ठीक है ना, पार्टिकल्स पहले अपने नॉर्मल कंडीशन में था, इसको एनर्जी मिलेगी तो कहां जाएगा, आगे जाएगा, आगे के बाद वापस अपने कंडीशन में आता है और उससे भी पीछे जाता है फिर, ठीक है। यानी कि इस चीज को, ये जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल्स मूवमेंट हो रहा है, इस चीज में को अगर मैं एक डायग्राम से यहाँ पर समझाऊं तो देखिए, अगर हमारा ये पार्टिकल्स वन पोजीशन पर है, ठीक है, वन पोजीशन उसका कौन सा पोजीशन कहलाएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर वन पोजीशन क्या था बच्चों, इसका मीन पोजीशन था ना, इसका अपना स्टेट नॉर्मल कंडीशन में ये है मीन पोजीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ये है। तो वन पोजीशन इसका इक्विलिब्रियम स्टेट है, वन से कहां पर आएगा, ये टू पर आएगा, क्यों टू पर आएगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई थी, इस वजह से ये कहां गया, आगे की तरफ गया, काइनेटिक एनर्जी मिली थी, इस वजह से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी एनर्जी बढ़ने की वजह से ये किधर को गया, आगे की तरफ गया। तो वन से कहां गया, ये टू पर गया, टू से वापस किस पर आएगा, ये थ्री पर आएगा, लेकिन थ्री से भी और पीछे आएगा, ये किस पर आएगा, फोर पर आएगा, ठीक है, और फोर से वापस ये कहां आएगा, फाइव पर आएगा। जब ये फाइव पर आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया,
ठीक है। तो वन वाइब्रेशन कब कंप्लीट होता है आपको ध्यान देना है, यहाँ पर वन ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है दोलन गति, है ना। एक दोलन गति इसकी कंप्लीट होगी कब, जब ये 5 पॉइंट कंप्लीट करता है, ठीक है। ये 1, ये 2, 3, 4 और 5, इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। वन वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगा इसका, जब ये कहां जाएगा, जब ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। यहां पर इसका क्या हुआ, वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। अब इन्हीं दोनों डायग्राम को अगर हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, इसको वेव के फॉर्म में, इसको ग्राफ के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, तो ग्राफ को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले दो एक्सिस चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा दो एक्सिस कौन सा है, एक हमने ले लिया ये एक्स एक्सिस और दूसरा हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस। ये इसमें जो हमने ये एक्स एक्सिस लिया है, ये एक्स एक्सिस है क्या, ये है बच्चों वही मेन पोजीशन, ठीक है। ये वन पॉइंट जो है ना, उसी वन पॉइंट को, और इसमें जो भी जो वन पॉइंट था, यानी कि जो नॉर्मल स्टेट है मॉलिक्यूल्स का, या पार्टिकल्स जो है वो अपने नॉर्मल स्टेट पे है, उस नॉर्मल स्टेट को कौन शो कर रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, मीन पोजीशन, या इसका ओरिजिन पोजीशन, या फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है ना। पार्टिकल्स यहाँ पर रहेगा, इस अगर इस लाइन पर है, इसका मतलब पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर आ गया है, ओके। अब जो ऊपर की तरफ अगर जाएगा ये, तो भी ये कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये है हमारा पूरा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगा मतलब वाई एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आएगा तब भी ये y एक्सिस पे ही जा रहा है, ठीक है। ऊपर y एक्सिस है और नीचे भी क्या है, y एक्सिस है, लेकिन ये क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हाइट ऊंचाई, जब नीचे की तरफ ये जाता है तो ये क्या है, गहराई है, ठीक है ना। y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये ऊंचाई में जा रहा है और यहाँ पे क्या आएगा, गहराई में जाएगा, लेकिन दोनों ही क्या ये तय कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पर ही ये बने हुए हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस की तरफ जब ये पार्टिकल्स आगे बढ़ेगा, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से, ब्लैक वाली लाइन पर है एक्स एक्सिस पर, मतलब अपने मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन से पार्टिकल्स कितना ऊपर गया, मीन पोजीशन से पार्टिकल्स कितना नीचे गया, ठीक है, कितना ऊपर कितना नीचे, है ना। ये वही चीज है कि कितना ये एक झूला कोई झूल रहा है, तो झूला पहले यूं यूं यूं, ठीक है ना, यहाँ मेन पोजीशन से झूला कितना जा रहा है और पीछे भी ये कितना जा रहा है, ठीक है। और इसमें अगर हम कहें तो ये यहाँ से आगे कितना गया, पीछे कितना गया, इसी चीज को यहाँ देखें तो मेन पोजीशन से ये ग्राफ कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, सारी बातें एक ही है, ओके। अब देखिए पार्टिकल्स यहाँ पे वन पोजीशन पर है, मतलब क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, अपने ओरिजिन स्टेट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। वन पोजीशन से अगर इसको एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल्स कहाँ जाएगा, पार्टिकल्स जाएगा टू पोजीशन पर, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, तो पार्टिकल्स जाएगा टू पोजीशन पर। टू से अब वापस वो क्या करेगा, पीछे की तरफ आना शुरू करेगा, तो टू पोजीशन से वापस किस पर आएगा, वो थ्री पर। देखिए यहाँ वन पर था, आगे गया, आगे जाकर के वापस पीछे आ रहा है ना, तो वन पे है, आगे गया, आगे जाकर के वापस थ्री पर पीछे आया, फिर और पीछे जाएगा, कहाँ गया, फोर पर, फिर वापस कहाँ आएगा, अपने मीन पोजीशन पर आएगा। तो मीन पोजीशन पर आप देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, ये तीनों ही क्या है, इसका मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका ओरिजिन पोजीशन है, ठीक है। और 1 से लेकर के 5, जब ये 5 पर आ गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसने 1 वेव डन कर लिया, ठीक है, 1 वेव डन कर लिया, या हम कहेंगे इसने 1 वाइब्रेशन डन कर लिया, या हम कहेंगे कि इसने 1 ऑसिलेशन डन कर लिया, ठीक है। तो 1 ऑसिलेशन, 1 वेव या 1 वाइब्रेशन, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। 1 वाइब्रेशन के लिए, 1 वेव डन करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट। 1 वाइब्रेशन डन करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट। 1 ऑसिलेशन डन करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीजें एक ही बात है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और पार्टिकल जब यहाँ पर है तो किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये हाइट होती है ना, कितना ऊंचा जा रहा है, इसको भी एक नाम दिया गया है, नाम हम इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट, ठीक है। ऊंचाई जो होती है, जो हाइट को बताता है, वो होता है क्रेस्ट, और नीचे जो गहराई को बताता है, यानी कि जो डेप्थ को बताता है, वो क्या होता है, ट्रफ, ठीक है। तो ट्रफ जो होता है वो गहराई को बताता है, और क्रेस्ट जो होता है वो ऊंचाई को बताता है। तो कितना ऊंचा गया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा। कितना नीचे गया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रफ कहलाएगा, ठीक है ना, कि डेप्थ को बता रहा है। ये तीनों ही चीजें जो हमने पढ़ी है, ये हम किस वेव के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये साउंड वेव है, ठीक है,
साउंड वेव, साउंड इसी तरीके से जो है ये आगे बढ़ता है, ये वेव इस तरीके से ही चलती है, ठीक है। तो ये हमारा साउंड वेव है। साउंड वेव को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कि हमने ये जो स्टडी किया है जिस वेव के बारे में, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर वेव भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्यों इसको प्रेशर वेव कहते हैं, क्योंकि रिपीट होता रहता है, प्रेशर कभी कम होगा, कभी पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये रिपीट होता जाता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर वेव भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यदि ये चीज बड़ा और छोटा हो सकता है ना, जैसे वन पोजिशन से टू पोजिशन, अब ये तो हो सकता है ना कि मान लो कि वन यहाँ पर है, झूला झूल रहा है, ठीक है, तो पीछे से अगर झूला झूला रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे, पहले आप देखते थे ना, पहले पेड़ पर वो रस्सी टंग जाता था, ठीक है, झूला बनाया जाता था, और उस पर लेडीज, एक लेडीज जो है झूले पे बैठी हुई है, और दूसरी लेडीज क्या होती है, पीछे से वो ऐसे पुश करती है, ठीक है, तो वो झूले पे बैठी हुई है ना, तो अगर धीरे धीरे पुश कर रहे हैं तो झूला क्या होगा, कम डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत तेजी से अगर फोर्सली पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, झूला काफी डिस्टेंस तय करने लगता है, ओके। तो ये चीज, ये आप देख रहे हैं हाइट, है ना, ये ज्यादा या कम हो सकता है। ये चीज वन से लेकर के टू वाला पोजिशन, वन से लेकर टू वाला पोजिशन, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यहाँ से भी वन से लेकर के टू वाला पोजिशन, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहाँ भी वन से लेकर के टू वाला पोजिशन, हो सकता है टू वाला पोजिशन यही, ठीक है, तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है ये, है ना, ये छोटा होगा या बड़ा होगा, किस पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए आप। मैंने क्या बताया कि वो जो लेडीज है वो झूले बैठी हुई है, अब वो वन पोजिशन से टू पोजिशन का बड़ा हो या छोटा हो, किस पर डिपेंड करता है, जो पीछे लेडीज उनको एनर्जी दे रही है, ठीक है, उन पर ये डिपेंड कर रहा है ना, कि वो जो पीछे लेडीज है उन्होंने किस एनर्जी के साथ कितना फोर्सली जो है उनको पुश किया, ठीक है। इन्होंने अगर एनर्जी ज्यादा दी है तो जो झूलने के लिए बैठे हैं उनको भी एनर्जी ज्यादा मिलेगा और झूला जो है वो काफी हाइट तक जाएगा, ओके। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी होता है, यदि पार्टिकल्स को एनर्जी ज्यादा मिलता है तो वो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट काफी लंबा कवर करेगा, ओके, 3 पॉइंट भी लंबा जाएगा, फिर ये काफी, ये क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, 1 से ये 2 पॉइंट, ये ग्राफ आपका यही तक नहीं बनेगा, बल्कि ये और ऊपर जाएगा, ये और नीचे आएगा, है ना। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं इधर। अब हम अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, वेव्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे वेवलेंथ पढ़ेंगे हम, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं, टाइम पीरियड है ना, बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने वन कैरेक्टर ले लिया एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस, तेज कोई बोल रहा है या कोई धीरे बोल रहा है, इसका आपस में एम्पलीट्यूड और लाउडनेस दोनों में काफी गहरा संबंध होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोई चीज हम तेज बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन होता है, ओके। चलिए फिलहाल हम क्या देख रहे हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजिशन ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब अपने मीन पोजिशन से कितना दूरी तय करता है, ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो मीन पोजिशन से, वन पोजिशन से टू पोजिशन में कितनी दूरी तय करता है, वही क्या कहलाती है, उसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है, ओके। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं हाइट ऑफ द क्रेस्ट, है ना, ये क्रेस्ट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट, ये देखिए ये इसकी हाइट कितनी है, जितना ये, अगर अभी मान लो कि ये छोटा रहता तो यहीं तक रहता, ठीक है, बड़ा रहता इससे बड़ा यहाँ तक, और बड़ा हो गया इतना यहाँ तक, और बड़ा होता तो यहाँ तक जाता, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द क्रेस्ट, क्रेस्ट की जो हाइट होती है फिलहाल मीन पोजिशन से, इसकी हाइट कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट क्या कहलाती है, ये कहलाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ मीन पोजिशन से कितना इसने, क्रेस्ट की हाइट क्या है, ये होगा, या यहाँ देखेंगे तो इसने कितना यहाँ पे डिस्टेंस तय किया, इसमें आप देख रहे हैं तो वन पोजिशन से टू पोजिशन कितना लंबा इसने वाइब्रेशन तय किया, ठीक है, वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ओके। तो एम्पलीट्यूड को आप क्या, आपने क्या समझा, ठीक है, कि अपने मीन पोजिशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का अपने मीन पोजिशन से, वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द क्रेस्ट, क्रेस्ट की हाइट, या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ठीक है ना, या ट्रफ की डेप्थ, कितनी गहराई है,
आप चाहे इसको गहराई से नापिए चाहे इसको हाइट से नापिए, ठीक है, कि इतना ऊपर गया तो उतना ही कहां जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो अगर आप इस डेफिनेशन से भी लीजिए कि कितना ऊपर गया है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है मतलब कि एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। झूला अगर आगे गया उतने उतना आगे तो पीछे भी उतना ही आगे जाएगा, ठीक है ना, पीछे मतलब पीछे की तरफ उतना दूर जाएगा, है ना। तो चाहे आगे से आप ले लो चाहे पीछे से ले लो, एम्पलीट्यूड क्या हो गया वहां पर, ज्यादा हो गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड अभी मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, जो झूला वो लेडीज जो झूल रही है वो किस पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड अगर आपको ज्यादा चाहिए, एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर आपको ज्यादा चाहिए तो पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपने पार्टिकल्स को एनर्जी ज्यादा दी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्लास में मान लो कि क्लास में एक बच्चा है, वो अगर बहुत धीरे बोलता है, उसको आंसर नहीं आ रहा है ना, उसको खड़ा किया गया पूछने के लिए, तो अब उसके अम्मों से आवाज ही नहीं निकल रही, बहुत धीरे धीरे आंसर दे रहा है, मतलब कि उसने क्या किया, अपने आसपास के जो पार्टिकल्स है ना उनको क्या किया, एनर्जी बहुत ही कम दिया है, एनर्जी इतना कम दिया है कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बहुत ही कम एम्पलीट्यूड हुआ, इस वजह से ज्यादा दूर तक आवाज पहुंच ही नहीं पाई, यानी कि सुनाई नहीं देता है। और जिसको आंसर आता है वो तो बहुत तेज बोलता है, ठीक है ना। तो क्लास में अगर कोई बहुत तेज बोल रहा है, ओके, यानी कि क्या हो गया, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा हो गया, मतलब कि जो सामने जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स को साउंड एनर्जी यहाँ से जो सोर्स है वो क्या कर रहा है, उनको एनर्जी ज्यादा दे रहा है। अगर क्लास में वालों की टीचर है, ओके, तो क्या होगा, सबके देखेंगे आपके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाते हैं, है ना, मतलब कोई एनर्जी नहीं दे रहा है अपने पार्टिकल्स को। लेकिन जैसे ही टीचर्स क्लास से बाहर निकलते हैं, है ना, तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब सभी बच्चे क्या करते हैं, फटाफट अपने मुंह से यहाँ से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और पार्टिकल्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना। तो पार्टिकल्स को एनर्जी कब देते हैं, जब टीचर्स क्लास से बाहर निकल गए, जैसे टीचर आ जाते हैं तो वापस एनर्जी ये वापस खींच लेते हैं, ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर तीन सिचुएशन ये बताए हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, झूला हमारा ये 1 पॉइंट, ठीक है, ये 2 पॉइंट, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसने बहुत यहाँ पर कम डिस्टेंस कवर किया, यानी कि एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, ओके। अब यहां से देखिए, यहां से यहां थोड़ा सा हमने एनर्जी इसको बढ़ाया और इसको प्रेशर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड क्या हो गया, यहाँ पर तो मीडियम था, ठीक है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम, है ना, खूब सारा हमने एनर्जी दिया झूले को, तो झूले झूला बहुत दूर तक आ गया, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हम इस वाले डायग्राम से आपको बताएं तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ये उसका 1 पॉइंट और ये हो गया इसका 2 पॉइंट। अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे, है ना, मैं धीरे अगर बोलती हूँ तो धीरे धीरे बोलूँ तो क्या होगा, कम एनर्जी दे रही हूँ पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, उनको एनर्जी कम मिल रहा है, इस वजह से क्या करेंगे, मूवमेंट भी कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, छोटा, ठीक है ना। जैसे ही मैं इनको एनर्जी में बढ़ाती हूँ, है ना, मैंने अपनी वॉल्यूम बढ़ाई, एनर्जी में बढ़ा रही हूँ, ठीक है, इनको जब एनर्जी ज्यादा दूंगी तो जाहिर सी बात है कि इनमें भी वाइब्रेशन तेज होगा, और यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब मैंने अपने वॉल्यूम को और बढ़ाया और मैं अगर तेज बोलती हूँ तो क्या होगा, आप देखिए एम्पलीट्यूड क्या हो गया, काफी बढ़ गया, ठीक है। उसी चीज को आप यहाँ भी देखिए, ये हमारा एक्सिस पर हमने ले लिया, तो यहाँ देखिए यहाँ के एम्पलीट्यूड आप देखिए, ये मेन पोजिशन से ये 1 पॉइंट हमारा और ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब ये देखिए आप, ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लगा, और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो हाइट बढ़ गया, ये देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इतना हो गया, है ना। तो एम्पलीट्यूड चाहे आप इसको क्रेस्ट से ले लीजिए एम्पलीट्यूड को, ठीक है, या आप चाहे तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको ट्रफ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ट्रफ है ना, इसकी देखो इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, यहाँ देख रहे हैं तो गहराई ज्यादा होगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया आपको, किस तरीके से एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। आई होप कि आपको एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया होगा, है ना, कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, एम्पलीट्यूड क्या चीज है। तो लंबाई ही तो है ना, कि कितना दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो हम लेंथ एक लंबाई ही है कि इतने यहाँ से इतने कितना दूर गया, तो इसको हम किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट मीटर में है, मीटर सेंटीमीटर है ना, इस तरीके से ही इन यूनिट से ही इसको मेजरमेंट इसका किया जाता है। बट इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। आपने ये डायग्राम देखा होगा, तो तीनों मैंने एक साथ ही लेकर के आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का आपस में क्या रिलेशन होता है, लाउडनेस क्या होता है, नॉर्मल लाउडनेस क्या होता है, ठीक है। अगर लाउडनेस कहीं उससे ज्यादा हो गया, है ना, इतने डेसिबल से कितने डेसिबल से ज्यादा हो जाएगा तो नॉइज कहलाएगा, यानी हमको पसंद नहीं होगा, इरिटेशन होगी, सुनने की इच्छा नहीं होगी, है ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे, लाउडनेस के बारे में हम पढ़ेंगे।
और लाउडनेस के साथ साथ हम एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का विद एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, रेड बटन जो है उसको आपको एक बार केवल उसको ऐसे टच करना है और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा तो उस बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है, ठीक है। इस तरीके से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करिए, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करिए, कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों